सुप्रभात बच्चों, आज के हिंदी कक्षा में तुम सबको स्वागत है। आज हम सातवीं कक्षा का एक नया कविता पढ़ेंगे और उसका अर्थ समझेंगे कि जीवन में अपने जीवन को कैसे मधुर बनाना है। बना दो मधुर मेरा जीवन, मधुर का मतलब होता है मीठा। अपने जीवन को हम कैसे मीठा बना सकते हैं, जैसे कि अपने जीवन में हम कई कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, बुरा कार्य करते हैं, तो अच्छे गुण हैं और हमारे पास बुरे गुण हैं, लेकिन हमें उस बुरे आदतों को त्याग कर अपने जीवन में अच्छे गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए ताकि लोग हमें अपने अच्छे गुणों के कारण सम्मान दें। अच्छे गुणों की भावनाओं को अपने मन में जागृत करना चाहिए और त्याग और बलिदान जैसे ये सारे श्रेष्ठ गुणों से अपने जीवन को महान बनाना चाहिए और अपने चरित्र को भी सुधारना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए, इस कविता के माध्यम से हम जानेंगे। इस कविता के कवि हैं राधाकांत मिश्र। उन्होंने बताया है कि जीवन को मधुर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। बना दो ऐसा मेरा जीवन कि मातृभूमि हेतु बेहिचक कर दूं तन मन धन अर्पण। बन सुमन सुरभि मधुरस, सूची सरल छलहीन सरस, बितरूं जन जन में अमृत कण। पहले हम इस कविता का अर्थ समझ लेते हैं, छोटे छोटे शब्दों का अर्थ, फिर इस कविता का, इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। जैसे कि बना दो ऐसा मेरा जीवन, जीवन का मतलब होता है प्राण, हेतु का मतलब होता है बिना संकोच के, हेतु का मतलब होता है के लिए, और बेहिचक का मतलब होता है बिना संकोच, बेसंकोच हम कुछ कह सकते हैं बिना झिझक के। तन का मतलब होता है शरीर, मन का मतलब मन, और अर्पण का मतलब होता है समर्पित कर देना। बन सुमन सुरभि मधुरस, बन का मतलब जंगल, बन सुमन का मतलब पुष्प, सुरभि का मतलब होता है सुगंध महक, और मधुरस का मतलब होता है शहद यानी कि मधुमक्खी का मधु। सूची सरल छलहीन सरस, सूची का मतलब होता है पवित्र सरल, और छलहीन का मतलब होता है अपने जीवन में छलना को स्थान नहीं देना है, छलहीन निष्कपट, छलहीन का मतलब होता है निष्कपट और सरस। बितरू जनजन में अमृत कण, बितरू का मतलब होता है बांटना, और अमृत कण का मतलब होता है अमृत कथा मधुर बाणी, बितरू जनजन में अमृत कण। तो पहले इस पंक्ति का अर्थ समझेंगे। बना दो ऐसा मेरा जीवन कि मातृभूमि हेतु बेहिचक कर दो तन मन धन अर्पण। कवि कहते हैं, कवि यहाँ पर भगवान के पास प्रार्थना करते हैं कि उन्हें ये सबसे श्रेष्ठ जीवन, सबसे श्रेष्ठ भगवान ने उन्हें मनुष्य को बनाया है और उन्हें यह मूल्य शरीर मिला है, तो इस अमूल्य शरीर में उन्होंने भगवान जी को प्रार्थना करते हुए कहा है कि हे प्रभु, मेरे जीवन को ऐसा बना दो, मेरा जीवन ऐसा बना दो कि मैं अपने जीवन में मातृभूमि के लिए अपने मन में संकोच की मलिनता ना रखूं, अपने हृदय में संकोच ना रखकर अपना मन शरीर और धन अर्पण कर सकूं। मुझे ऐसा बना दो कि आपने जितना भी मुझे समय दिया है उतने समय काल में, उतने ही समय में अपना शरीर मन और धन मैं तुम्हें अर्पण कर दूँ, यानी कि मातृभूमि के लिए अर्पण कर दूँ। जैसे कि देश के लिए लोग जाते हैं और देश की सेवा करते हैं अपने निष्कपट मन में, उन्हें अपने जीवन की परवाह नहीं होती लेकिन देश की परवाह होती है, इसलिए अपने मन को शांत करके अपने मन शरीर को वो मातृभूमि के लिए समर्पण करने देश सेवक चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यह कवि जो है उन्होंने यही कहा है कि हे भगवान जी, मुझे ऐसा जीवन तो दे दिया है लेकिन मुझे ऐसा ही भी बना दो और इस शरीर में
इस मन में मैं अपनी मलिनता का प्रवेश ना होते हुए अपने शरीर मन और धन को मातृभूमि के लिए अर्पण कर सकूं। उसके बाद बन सुमन सुरभि मधुरस सूचि सरल छलहिन सरस बितरो जन जन में अमृत कर। और उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जंगलों में घने जंगलों में और वनों में उगते हुए फूल अपने महक से चारों तरफ महका देते हैं और मधुमक्खियाँ एक फूल से दूसरे फूल कर उड़ कर जाते हैं और अपने लिए नहीं लेकिन दूसरों के लिए मधु का संचित करते हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपने जीवन काल में मातृभूमि के लिए कुछ करना है। क्या करना है? मैं चाहती हूँ कि मेरे हृदय को आप पवित्र निर्मल और निष्कपट बना दें, जैसे कि मैं उस हृदय में केवल मीठी मीठी वाणी और मधुर वचनों का स्थान दे सकूं। मेरे हृदय में किसी के लिए घृणा, किसी के लिए कुछ चिंता ना हो, कुछ बातें नहीं हो, केवल हो तो मधुर बातें, मीठी बातें, जिससे मैं दूसरों के लोगों को दूर कर सकूं। कवि ने कैसी सुंदर सी रचना की है, तो कहते हैं कि मेरे जीवन को ऐसा बना दो जैसे कि मैं अपने शरीर में अपने हृदय में मन शरीर से मातृभूमि के लिए अपने को अर्पण कर दूं, और जैसे घने जंगलों में उगते हुए फूल चारों तरफ महका कर और चारों तरफ महका देते हैं, यानी कि उनका काम है ओ उगना और चारों तरफ महकाना, वो वही काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार मधुमक्खियाँ अपने जीवन में मधु की संचित करके दूसरे लोगों की उपकार करता है, उसी प्रकार मैं अपने जीवन में अपने हृदय को सरल निर्मल और निष्कपट बनाकर उसी हृदय में मीठे मीठे मधुर स्मृतियों को संजोड़ना चाहती हूँ, और ताकि लोगों के दुख को दूर कर सकूँ। यानी कि मैं अपने जीवन में लोगों को दुख दूर करना मेरे लिए एक मुख्य काम है जिसे मुझे करना है, और आप मुझे वैसी बना दो जैसे कि मैं लोगों के दुखों को दूर करने का समर्थ रख पाऊँ। दूसरा पंक्ति यह है, बना दो ऐसा मेरा मन जग के सुख दुख का दर्पण, पोंछ जन जन के नयनों के अश्रु कण करूँ मरण बरण। प्रभु बनाओ ऐसा मेरा तन कि अपने फौलादी बाहों से अप्रतिहत अविचल गति से कर सकूं सदा अन्याय का दमन। फिर से कवि ने कहा है कि हे ईश्वर, मेरा शरीर तो तुमने वैसा ही बनाने को मैंने कहा जैसा मैं लोगों के दुख दूर करने का सामर्थ्य रख पाऊं, ठीक उसी प्रकार हे ईश्वर मेरा मन, मेरे मन को भी वैसा बना दे, ऐसा बना देना मेरा मन जैसे कि संसार के दुख को और सुख को मैं देख पाऊँ। जग के सुख दुख का दर्पण, दर्पण में हम क्या करते हैं, अपने प्रतिबिंब को देखते हैं, जो हम हैं वही दर्पण हमें दिखाता है, हमारा प्रतिबिंब। उसी प्रकार आप मेरे मन को ऐसा बना दो कि मैं लोगों के सुख, लोगों के अंदर छुपी दुखों को समझ सकूं, उन्हें देख पाऊं और उनको दूर करने की प्रयास कर पाऊं। मुझे अपने जीवन में यही कार्य करना है, जग में सुख दुख का दर्पण, मैं लोगों के दुखों को दूर कर सकूं, सुखों में उनके साथ रह पाऊं, मुझे ऐसा मन दे दो। पोंछ जन जन के नयनों के अश्रु कण करूं मरण वरण। पोंछ, पोंछ का मतलब होता है पोंछ, उसे मिटाना। जन जन का मतलब होता है लोग, नयन का मतलब होता है आंख, यानी कि आंखों से जो आंसू निकलते हैं मुझे उसे दूर भगाना है लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन से उन्हें कई दूर जाकर फेंक देना है। लेकिन मैं कैसे करूं? मुझे उस नयनों के अश्रु को दूर करने के लिए अगर मुझे अपना जीवन को दान भी करना पड़े तब भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो मुझे ऐसा मेरा मन दे दो भगवान जी, जैसे कि मैं गरीबों के दुखियों के आंसू को पोंछ सकूं, और आंखों को पोंछते वक्त अगर मेरा प्राण भी चला जाए तो मुझे दुख नहीं होगा। अश्रु कौन करूँ मरण बरण,
उनके सुख के लिए अगर मुझे अपने प्राणों की बलि देना पड़े तब भी मुझे तैयार देने के लिए तैयार हूँ। प्रभु बनाओ ऐसा मेरा तन कि अपनी फौलादी बाहों से अप्रतिहत अविचल गति से कर सकूं सदा अन्याय दमन। प्रभु बनाओ ऐसा मेरा तन, भगवान ने जीवन बनाया, मन बनाया, फिर भगवान को कभी कहते हैं कि ए ईश्वर मेरे लिए तुम मेरा तन, तन का मतलब होता है शरीर, मेरा शरीर ऐसा बना दो कि अपनी फौलादी बाहों में, फौलादी का मतलब होता है इस्पात से बना, यानी कि लोहे से बना शरीर, मुझे लोहे से बना शरीर चाहिए, हे ईश्वर मुझे लोहे से बना शरीर बना दो अपनी फौलादी बाहों में, तुम अपनी लोहे से बने शरीर, लोहे से हाथों में लोहे से मेरा शरीर बना दो, अप्रतिहत अविचल गति से कर सकूं सदा अन्याय का दमन। अप्रतिहत का मतलब होता है अबाध और अविचल का मतलब होता है अटल। अन्याय का दमन का मतलब होता है अन्याय का विरोध करना, अन्याय का विरोध करना। तो कभी कहते हैं कि हे ईश्वर मेरे शरीर को तुम ऐसा बना दो जैसा कि लोहे सा सख्त हो जाए मेरा शरीर, और लोहे सा शरीर, लोहे का जैसा मेरा शरीर सख्त हो जाए और मेरे भुजाओं को, मेरे बाहों से अप्रतिहत अविचल गति से मोरो भुजाओं दोनों में इतना बल दे दो जैसे कि बिना रोके, बिना अटल हो, बिना रोके हुए मैं दुनिया में हर अन्याय को दमन करने में सक्षम बन पाऊँ। मेरे बाहों में यानी कि मेरे भुजाओं में इतना बल दे दो, मेरा शरीर को लोहे जैसा बना दो जैसे कि मैं अविचल होकर, यानी कि अविचल ना होकर अटल रहकर और अबाध में जो जहाँ पर अन्याय होता देखूं उसी को मैं दमन करने के मैं प्रयास करूं। कभी हारना नहीं है मुझे, हमेशा अन्याय के ऊपर विरोध करना है जो मुझे करना है, इसीलिए मुझे बल चाहिए तो बल मैं आपसे मांग रही हूँ, मुझे ऐसा शरीर दे दो जिससे कि मैं अन्याय को दमन कर सकूं। उसी प्रकार कवि ने तीसरी पंक्ति में क्या लिखा है, तो अब हम देखेंगे कि कवि ने तीसरी पंक्ति में क्या कहा है। देना रसना में मधुर वचन हतंत्र की तान से मेरी अकर्ण विस्तर हो जाए नतफन बना दो मधुर यह जीवन प्रेम परहित सेवा से मेरी धरती बन जाए स्वर्ग भुवन। रसना का मतलब होता है जीव और मधुर वचना का मतलब होता है मीठी वाणी। हतंत्र का मतलब होता है हृदय के तार या स्नेह भरी बातें। तान का मतलब होता है राग या विचार। अकर्ण का मतलब होता है जो दूसरों की बात ना सुने बिना कान वाले। बिस्तर का मतलब होता है सांप, यानी कि जहरीले सांप जिसके पास जहरीले विष होते हैं। और नथ फन का मतलब होता है जिस सांप का फन नीचे झुका गया हो। तो कबीर ने कहा है कि हे ईश्वर मैं तुम्हारे आगे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे मुख में, मेरे जीव में ऐसी मीठी मधुर वचन भर दो जैसे कि मैं मधुरता को अपनाऊं और दो रूठे हुए को मिला सकूं और लोगों को अपना बना सकूं। यानी कि वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसके मुख में मीठे वचनों में पूर्ण कर दे और वही मीठे मधुर वाणियों से वो लोगों को अपना बना सके। और जो जहरीले सांप होते हैं वो हमेशा अपना फन को उठा कर रहते हैं लेकिन उनके पास तो कान नहीं होता है, हम जानते हैं सांपों के पास कान नहीं होता है। तो कभी कहते हैं कि मेरे मीठे हुए वाणी को सुनकर, सुन नहीं पाता जो सब सुन नहीं पाते वो भी अपने फन को नीचा कर दे, नीचा कर झुका दे। यानी कि मैं इतनी मीठी वाणी से बोलूं कि लोग मुझे अपना माने और या फिर मैं लोगों को अपना बना सकूं। और जो सांप में किसी के बात को सुन नहीं सकता, जिसके पास कान नहीं होते हैं, वो भी मेरी बात को
समझे और अपना फन नीचे झुका दे, जैसे दुष्ट व्यक्ति मधुर वचनों को सुनकर अपने स्वभाव में परिवर्तन ला दे। कवि का कहना है कि अगर हम दुष्ट व्यक्तियों के सामने भी मधुर वाणी से बोलेंगे तब भी दुष्ट व्यक्ति हमार मधुर वाणी से प्रभावित होकर अपने चरित्र को बदल सकते हैं। तो एक मधुर भाषा है जिसके कारण हम दुष्ट लोगों को भी अच्छे व्यक्ति बना सकते हैं। बना दो मधुर यह जीवन और लोगों के सेवा और उपकार करें। प्रेम परहित सेवा से मेरी धरती बन जाए स्वर्ग भुवन, और अपने लोग और लोगों को मैं सेवा करूं, उनका उपकार करूं और हमेशा मेरा मन शरीर और हृदय इस पृथ्वी में रहे और लोग इस पृथ्वी ही मेरे लिए स्वर्ण भूमि बन जाए। यानी कि हमेशा चाहते हैं कि अपने जीवन में लोगों के दुख को दूर करें और इस धरती को स्वर्ग भुवन बना दें। तो कविता का मतलब यह होता है और इसमें कुछ नए शब्द दिए गए हैं यहाँ पर। अभी हम जो शब्द यहाँ पर नीचे दिया गया है उन सारे शब्दों को देख लेंगे उनका अर्थ क्या है। लेकिन मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था तब उसी समय इन सारे शब्दों का अर्थ बता दिया था। जैसे कि हेतु का मतलब होता है के लिए, बेहिचक यानी कि बिना संकोच के, सुमन का मतलब होता है फूल, सुरभि का मतलब होता है सुगंध महक, मधुरस का मतलब होता है मधुमक्खी का मधु यानी कि शहद, सूची का मतलब होता है पवित्र, फौलादि का मतलब होता है फौलाद से बना, लोहा से बना यानी कि इस्पात से, इस्पात का, अप्रतिहत अबाध अविचल अटल, रसना का मतलब होता है जीव, हतंत्री का मतलब होता है हृदय के तार स्नेह भरी बातें, तान का मतलब होता है राग और विचार, अकर्ण का मतलब होता है बिना कान वाले यानी कि जो दूसरे की बात ना सुने, बिषधर सांप या फिर दुष्ट जन, नतफन जिस सांप का फन नीचे झुक गया हो, और परहित यानी कि परोपकार। तो कभी यहाँ पर अपने जीवन में हर समय परोपकार को ही पहले रखा है और उन्होंने यह कहा है कि अपने शरीर मन और हृदय को परोपकार के लिए हमेशा दूसरों के लिए सर्वदा समर्पण करते रहे और इस धरती को स्वर्ण भूमि में परिवर्तित कर पाए। तो अब हम इसके दिए गए कुछ अभ्यासों को ध्यान देंगे। कवि किसके लिए तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं? इसका उत्तर है बच्चों मातृभूमि के लिए। नंबर दो, कवि जन जन में क्या वितरण करना चाहते हैं? इसका उत्तर है कवि जन जन में अमृत की बूंदे वितरण करना चाहते हैं। कवि प्रभु से किसे सुख दुख का दर्पण बनाने की प्रार्थना करते हैं? कवि प्रभु से अपने जीवन को सुख दुख का दर्पण वे दुनिया दर्पण वे दुनिया के हर लोगों के सुख दुख को देख सकेंगे, दुखी के दुख दूर कर सकेंगे, इस तरह का दर्पण बनाने को कवि कहते हैं। चौथा नंबर है कवि मरण का वरण करने से पहले क्या करना चाहते हैं? यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने से पहले जन जन के नयनों के अश्रु कण को पोछेंगे, लोगों के आंसुओं को पोछना चाहते हैं, दुनिया वालों के दुख दूर करेंगे यह चाहते हैं। कवि ने किसे अकर्ण कहा है? कवि ने अपने को अकर्ण कहा है। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हैं राधाकांत मिश्र। नंबर दो का पहला प्रश्न है कवि मातृभूमि हेतु क्या करना चाहते हैं? कवि बेहिचक तन मन धन अर्पण करना चाहते हैं। कवि अपने मन को क्या बनाना चाहते हैं? दूसरा प्रश्न, अपने मन को जग के सुख दुख का दर्पण बनाना चाहते हैं।
तीसरा प्रश्न, कवि कब मरण को वरण करना चाहते हैं? कवि मन धन के आंखों के आंसू को पोंछ कर मृत्यु को वरण करना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, कवि अपनी फौलादी बाहों से क्या करना चाहते हैं? कवि अपनी फौलादी बाहों से अबाध और अटल गति से अन्याय को दमन करना चाहते हैं। पांचवा प्रश्न, कवि अपनी रसना के लिए क्या चाहते हैं? कवि अपने रसना के लिए चाहते हैं कि भगवान उनकी रसना में ऐसे मधुर वचन भर दे जैसे पराए लोग भी अपने हो जाएं। कवि की हतंत्री की तान से क्या हो जाएगा? दुष्ट प्रकृति के मनुष्य भी विनम्र स्वभाव के हो जाते हैं। यह धरती कैसे स्वर्ग भुवन बन जाएगी? इस धरती में प्रेम परहित सेवा से स्वर्ग भुवन बन जाएगी। उसी प्रकार बच्चों, तीसरे नंबर में तुम्हारी कविता का एक अंश दिया गया है। तुम लोग कविता का गान करो, फिर इसका इस पंक्ति को पूरा करो। चौथे नंबर पे कुछ शब्द तुम्हें दिए गए हैं, उन्हें लिखो और समझो कि उनका अर्थ क्या है। अभी व्याकरण विभाग एक ही अर्थ वाले अनेक शब्द होते हैं जिसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं, यानी प्रतिशब्द इसे उड़िया में कहते हैं। तो सुमन के पर्यायवाची शब्द कहलाता है फूल, पुष्प और कुसुम। उसी प्रकार पवित्र का सूची या फिर पावन, रसना का जीव और वाणी, विषधर का साप, दुष्ट, सूची का पवित्र और पावन, परहित का परोपकार, सुरभि का सुगंध, सौरभ और महक, ये सारे पर्यायवाची शब्द है। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें जो जो शब्द तुम्हें दिया गया उन सारे शब्दों को लिखना है और इस प्रकार के पांच शब्द सोचकर बनाना है। मातृ युक्त भूमि, मातृभूमि, छल युक्त हीन, छलहीन, अश्रु युक्त कर्ण, अश्रु कर्ण, हत युक्त तंत्री, हतंत्री, स्वर्ग युक्त भुवन, भुवन स्वर्ग भुवन। अगर हम कुछ और शब्द बनाएं तो यह हो सकता है बीस युक्त धर, बीस धर, मधु युक्त रस, मधु रस, पर युक्त हित, पर हित। उसी प्रकार पांच शब्द बनाने के लिए तुम्हें दिया गया है। कुछ और शब्द भी तुम बना सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। अगले नंबर पर जाएंगे विलोम, यानी कि विपरीतार्थक शब्द। सरल का विपरीत क्या होगा? कठिन। छलहीन का विपरीत छलयुक्त, मधुर का कर्कश, अन्याय का न्याय और हित का अहित। ये हो गया बच्चों हमारा कविता का सारांश के साथ साथ उसका उत्तर। अभी तुम लोग इस कहानी कविता को बड़ी ध्यान से पढ़ो, समझो, फिर उस पर अभ्यास का अपने खाते में करो। आज के लिए इतना ही, अगले कालांश में हम एक और नए विषय पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।